हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। सो द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन इज नेस्ट डिलीवरी। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट एवर मीट डिलीवरी एप्लीकेशन है। यस यू हर्ड इट राइट, इसके द्वारा आप मीट ऑर्डर कर सकते हैं वो भी अपने घर तक। नॉट ओनली मीट, आपको यहाँ में फ्रोजन फूड भी मिल जाएंगे, होम एसेंशियल्स भी मिल जाएंगे, ग्रोसरीज भी मिल जाएंगे। वैसे भी कर्फ्यू वर्फ्यू का समय है कैपिटल रीजन में, तो पुलिस वुलिस लोग जाने देते नहीं, तो आप घर बैठे बैठे एप्लीकेशन के थ्रू मीट वगैरह, ग्रोसरीज एंड होम एसेंशियल्स एंड ऑल एवरीथिंग आप सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो। पता है व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एप्लीकेशन इज, कि मैं आप लोगों को एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, जरूर देखें। इसमें जो मीट का प्राइस है वो मार्केट के प्राइस से कंपैरेटिवली कम है, मतलब आपके पैसे बच रहे हैं। क्योंकि उस दिन जब मैं चिकन लेने गया था मुझे वो पड़ा था 1 kg का 300 रुपीज, और आपको मैक्सिमम इस एप्लीकेशन में चिकन का जो दाम है वो मिल रहा है 260 रुपीज, मतलब आपके पैसे बच रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका सर्विस अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल रीजन में अवेलेबल है, यानी कि ईटानगर, नाहरलगुन एंड नुरजुली। तो ईटानगर, नाहरलगुन एंड नुरजुली के लोग, अगर आप लोगों को भी इस ऐप का फायदा उठाना है, अगर आपको भी घर बैठे बैठे आइसक्रीम, फ्रोजन फूड, मीट हो गया, होम एसेंशियल्स हो गया, ग्रोसरीज हो गया, आपको अगर घर बैठे बैठे ऑर्डर करना है तो डू डाउनलोड नेस्ट डिलीवरी। ये जो एप्लीकेशन है दिस राइट नाउ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। iOS में तो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा। प्ले स्टोर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर चेक करिए और आराम से घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करिए। जीरो द लैंड ऑफ अपतानीस। जितनी खूबसूरत ये जगह है उससे कहीं ज्यादा अच्छे यहाँ के लोग हैं। वेरी हार्ड वर्मिंग, वेरी काइंड पर्सन्स। ऐसे तो मैं पहले जीरो आ चुका हूँ घूमने के लिए, बट इस बार मैं अपने किसी एक काम से गया हुआ था। मीनवाइल मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत लोगों से मिला भी और बहुत ज़्यादा मज़ा किया जीरो में। तो इस एक्सपीरियंस को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा इन 3, 2, 1, हियर वी गो। हेलो चैनल टू माय वेलकम, एंड आज हम हैं जीरो में। अभी यहाँ में एक्चुअली लाइट चली गई है तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं दिखा सकता हूँ। मैं बैठा हुआ था होटल जीरो वैली व्यू में अपने भाई के साथ, लोदा पुन्यो, जीरो का सबसे हैंडसम लड़का है। तो आज हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाने वाले हैं। आज का हम लोग का टूर गाइड लोदा है, तो ये हम लोग को काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन जगह ले जाने वाला है घूमने के लिए। तो मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाऊँगा एंड आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। सो हियर वी आर, दिस इज कॉल्ड कासा रिजॉर्ट। मेरे फ्रेंड्स मेरे को यहाँ लेके आए हैं, दे टोल्ड मी कि दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन जीरो। तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम आया हूँ कासा रिजॉर्ट में, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, पार्क है एंड लॉजेस भी है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्चुअली यहाँ बैठना चाहिए, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो ये कासा रिजॉर्ट का क्या है, मेज है, इतना छोटा मेज है। हम भी तुमको देख देख के हम भी खो गया भैया, इतना छोटा मेज है, इतना लिटरली इतना हाइट है। दिस लुक्स अमेजिंग, एकदम गच्चियों से कवर्ड है ऊपर तो, क्या खूबसूरत है एंड बहुत ही खूबसूरत है। अब जीसू है तो डायरेक्ट डायरेक्ट अजिंग हो गया। आया 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 और एक बार, नहीं नहीं नहीं, हो गया मत दिलो, मत 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 दिलो। तो भाई हम दोनों अभी बेट लगाए, जो आगे ऊपर जाएगा वो दूसरे ने जूता खरीद देगा। जैसे कि इफ आई, हम अगर हार जाते तो वो हमको जूता खरीद देगा, इफ ही लूजर्स देन वो हमको जूता खरीद देगा ना भाई। तो हम आगे जाएगा, पकड़ो एक स्टॉप वाचर डालो। हाँ ये पकड़ा है ना, रेडी 1, 2, 3। I'm surrounded,
इसको पार करो पार करो। अंदर घुसो ना अंदर घुसो ना। चंडीगढ़ कॉलेज। तो अभी भाई का बारी है। ओ ये तो जल्दी जा रहे। तो हम लोग तो दोस्त थे ना क्या बैठ बैठ मजाक कर रहा था। ओ भाई आज तो पूरा एडवेंचर हो रहा है। हाँ इसको ना हाँ आदमी को डराने का निंजा टेक्निक बोलते हैं। नाइस नाइस। और जोर से और जोर से। हाँ पहले बोलो कार का सबसे हैंडसम लड़का। अच्छा से जोर से बोलो या मैं देख के बोलो कार का सबसे। ए रुको ना वहीं रुको वहीं रुको। कार का सबसे हैंडसम लड़का है। ऐसे ऐसे हम लोग वो करते हैं। अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ मी। और ये है ट्रैम्पोलिन जंप। हाय दुनिया। अच्छा से जंप मारो। हाँ 100 रुपए दे असली का। ले अभी लड़की लोग में दम नहीं है भाई। हम सीरियस रेसलिंग खेलेगा। हम लोग लोडा पुनियों को बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहेंगे क्योंकि द होल टाइम ही वॉज फिल्मिंग एवरीथिंग शूट वूट कर दे रहा था। थैंक यू लोडा सारंग वेलकम। तो अभी दिस इज कासा रिजोर्ट का बोटैनिकल गार्डन। अभी तक बहुत मजा किया हमने तो अभी आगे जाके देखते हैं और क्या क्या मजा करने को मिलता है। लेट्स गो। So this is going to be the first time जब हम zip lining कर रहे हैं। I never did this before। बहुत ही मजा आने वाला है। क्या हो गया? बहुत ही मजा आने वाला है। एकदम बकस बकस बांध लिया है। ओ वहाँ तक है। It's like maybe 100 kilometers or 100 kilometers 100 meters। Ready? One. Go. अच्छा लगा। It was adventurous। मजा आया। अभी हम लोग लंच करेंगे
एंड आफ्टर दैट प्रॉब्ली विल गो फॉर क्या था बोटिंग एंड सिकल लेक ना सिकल लेक जाएंगे बोटिंग करने के लिए सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर काजा रिसॉर्ट एंड चलो भाई चलो जाते हैं सो अभी वी आर इन दिस जीरो पैलेस INN मतलब यहाँ लॉजिंग भी है फूडिंग भी है तो हम लोग फूडिंग के लिए आए हुए हैं काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है बहुत ही अच्छा से बनाया है जिनका ये बिल्डिंग है आपने सर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया एनीवे हम जाएंगे अंदर हम कुछ खाएंगे हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो देखते हैं क्या मिलता है वेरी नाइस इंटीरियर बहुत अच्छा है वेरी नाइस एग्जैक्ट सिक्स है बैठो ना यहाँ तो ये हम हैं और ये सिकल लेक है और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं तो मैडम अभी हम लोग कहाँ में हैं सिकल लेक में हैं सुनाई नहीं दे जोर से बोलो सिकल लेक में हैं सो वी आर इन द सिकल लेक राइट नाउ यहाँ पे हम लोग बोटिंग करने के लिए आए आप लोग चाहे तो मतलब टूरिस्ट आके वो साइड पे पार्क टाइप का कुछ है इवन आप लोग बैठ के चिल विल कर सकते हो वी केम हियर आफ्टर लंच पेट वेट एकदम टाइट हो गया था अभी एकदम ऐसे रिलैक्स करके बैठने के लिए आए हैं कुछ ऑब्वियसली ड्रोन ड्राम हर जगह उड़ाते हैं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है काफ़ी भाई अपनी तो मज़ा नहीं लाई कुछ करने का नहीं है वो आप पूरा चला दे रहा है ऐसे हम तो बस पेडल भी मारने का जरूरत है I know I am free I'm feeling alive Take me back to the jungle Take me back to the jungle तो बस हमारा सफर यहीं पे होता है खत्म I'll see you guys next time and as always you guys are amazing peace